हेलो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं 32 इंच चेस्ट ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा अस्तर है, अस्तर को हमें ओपन कर लेना है इस तरह से। अब हम इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ 13 इंच हमें लंबाई कंप्लीट चाहिए, तो हम 14 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लेते हैं, तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच होता है, तो 5.5 इंच शोल्डर। आर्म होल लेंगे 4.5 इंच। अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, चेस्ट हमारे यहाँ पर 8 इंच पे है और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। अभी हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर यहाँ पर हमारा 7.5 इंच, 1 इंच टक के लिए 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हमें मिला लेना है, तो इस तरह से हमने ये निशान मिला लिए हैं। अब यहाँ से हम जो हमारा टक्स पॉइंट है उसका निशान लगा लेंगे, तो टेप को यहाँ हमें बराबर नाप के बीच में सेंटर पे कर लेना है और 1/2 इंच दोनों साइड ले लेना है। अब आर्म होल की गोलाई देंगे, तो बैक साइड के लिए हमें 1.5 इंच पे गोलाई देना रहता है, तो इस तरह से हम ये 1.5 इंच ले लिए और इस पर अच्छे से आप कप शेप दे दीजिए, गोलाई दे दीजिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और इसकी जो डीप है वो हम यहाँ पर रखेंगे 10 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ भी हमें शेप दे देना है, तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो जो आपकी मर्जी हो आप वो शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें शोल्डर हल्का सा डाउन कर लेना है, तो इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा जो बैक पल्ला है वो रेडी हो गया है कट के। अब जहाँ जहाँ हमारा जो निशान है चेस्ट का, वेस्ट का, टक्स का, सभी जगह छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें इजी हो। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो फिर से हम अस्तर को बिछा लेते हैं और जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उसे हम रखेंगे सामने से। फ्रंट में हमारा हुक आई रहेगा, तो सामने से हमें 1/2 इंच छोड़ देना है कपड़ा और बैक साइड का पल्ला को बिल्कुल आप उससे जमाते हुए इस तरह से रख लें। अब देखिए, हमने ये बैक साइड का जो पल्ला है उसे रख लिया और नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और जैसा है आपका बैक साइड का पल्ला जैसा है बिल्कुल वैसे ही आपको निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसे हम हटा लेंगे, बैक साइड का पल्ला हटा लिया। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे, तो देखिए हमारा ये चेस्ट है और वेस्ट है, दोनों का निशान लगा लिया और ये जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो कपड़ा। अब इसे हम बराबर कर लेते हैं, जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे, इस तरह से हमने इसे बराबर कर लिया है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करते हैं। अब यहाँ से जो हमारे गले का डीप है 5.5 इंच वो ले लेते हैं। यहाँ पर भी हमें बॉक्स बना लेना है। और यहाँ भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये राउंड शेप दे दिया। उसके बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, 4.5 इंच जो हमने पहले भी लगाया था बैक साइड में, तो सेम वैसा ही आपको निशान लगा लेना है। और फ्रंट के लिए हमें हल्का सा 1 इंच पे डिप देना रहता है। बैक के लिए तो हमने 1.5 इंच दिया था, पर फ्रंट के लिए हमें 1 इंच पे देना रहता है। तो इस तरह आप निशान लगा ले। उसके बाद अभी हम यहाँ से टक्स पॉइंट लेंगे, तो ये हम ले रहे हैं 10.5 इंच पे। अब तिरछी पट्टी का निशान ले लेते हैं, तो फ्रंट से हम लेंगे 4 इंच पे और पीछे से हम लेंगे 3 इंच पे। देखिए, फ्रंट से हमने 4 इंच ले लिया और पीछे से हमने इसे ले लिया, दूसरी तरफ से ले लिया हमने 3 इंच। और इस तरह से हम ये निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें टक्स का पॉइंट देना है, तो जो टक्स लगाएंगे वो हम लेंगे 3.5 इंच। उसके बाद बीच में जो हमारा पॉइंट है वो 1.5 इंच का रहेगा,
पाव इंच दूसरी तरफ और पाव इंच, और इस तरह से हम ये लकीर खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो गया मेन बीच का जो टक्स पॉइंट है वो। अभी हमारा जो चेस्ट है और वेस्ट जो कमर है उसको, उसे भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी जो फ्रंट की मार्किंग हो गई है ना, हमने फ्रंट की जो मार्किंग कर ली है। अभी जो हमारी तिरछी पट्टी है वहाँ से हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की तरफ। अब इससे हमें राउंड शेप में इस तरह से निशान लगा लेना है। इससे क्या है, जो ब्लाउज़ की फिटिंग है बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से हमने एक इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब नीचे जो हमने डेढ़ इंच बढ़ाया था उसको कहीं ना कहीं तो मार्जिन हमें देना ही है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी। अब ये जो मैं कट कर रही हूँ वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो मैंने जो तिरछी पट्टी है उसे स्ट्रेट ही कट किया है, जो मैंने तिरछी पट्टी है उसे स्ट्रेट ही कट किया है, और जो हमारा ऊपर का है उसे मैंने राउंड में कट किया है। जो ऊपर का पल्ला है उसे हम राउंड में कट किए हैं, तो आप भी ऐसे ही कट कीजिएगा। अब इस तरह हम पूरी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह जो हमारा फ्रंट पल्ला भी कट गया है, देखिए जब इसे हम सिलाई करेंगे तो इसकी जो फिटिंग है बहुत अच्छे से आएगी। और ये हमारा बैक साइड का पल्ला है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें क्या होता है, आर्म होल जो हमारा होता है वो हमें नापना होता है। तो इस तरह से आप आर्म होल को नाप लीजिए आपका जो भी आता है। अब ये जो बचा हुआ अस्तर है उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है, आगे से बराबर कर लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैंने उसे कम कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा आर्म होल आ रहा था वो 7.5 इंच आ रहा था। अब देखिए यहाँ से हम जो हमारा स्लीव्स की जितनी लंबी भी आपको स्लीव्स रखनी है उस पर आप निशान लगा लें, और इसे इस तरह से बराबर दोनों साइड लकीर खींच लें। अभी नीचे से हमें 2.5 इंच लेना है। तो नीचे से हमने 2.5 इंच लिया। मैंने 5 इंच का स्लीव्स बना रही हूँ तो मैं नीचे से 2.5 इंच ली हूँ। अगर आप 6 इंच का बना रहे हैं तो नीचे से 3 इंच लेंगे। और ये जो निशान लगाई हूँ वो मेरा आर्म होल का है, जो मैं हमने जो नापा था ना वो आर्म होल का निशान लगाया है, और वहीं तक हम ये सेप दे दिए। ठीक है, यहाँ से अब ये मैं फ्रंट का सेप दे रही हूँ। और नीचे आपने जितना स्लीव्स पे मार्जिन छोड़ा है उतना ही लगाना है। मोहरी का निशान लगा लेते हैं। हमने मोहरी का निशान लगा लिया। अब नीचे आपने जितना ब्लाउज पे छोड़ा है एक्स्ट्रा मार्जिन उतना ही छोड़ेंगे, और इसे भी इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप वन टक ब्लाउज प्लस क्रॉस पट्टी कैसे कटिंग करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अब ये जो फ्रंट हमने हल्का डिप दिया है उसे भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो ब्लाउज़ है वो कट के रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।